विदिशा जिले के सिरोंज जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरेखो में दो अमृत सरोवर तालाब फूटने का मामला सामने आया है। इस मामले में मध्य प्रदेश के सबसे युवा सरपंच पर लाखों का भ्रष्टाचार करने के आरोप लग रहे हैं। जिस सरपंच को लोग बच्चा समझ रहे थे और युवा होने के साथ साथ उसके कार्य की प्रशंसा भी की जा रही थी, उसने लाखों का भ्रष्टाचार कर दिया, जिसके कारण सिरोंज तहसील की ग्राम पंचायत सरेखो में दो अमृत सरोवर तेज बारिश होने से फूट गए। इन सरोवरों का निर्माण वाटर शेड योजना के तहत किया गया था। सरेखो के सरपंच अनिल यादव देश के सबसे युवा सरपंच हैं। उनके जल संरचना के लिए किए गए काम को काफी सराहा गया था, लेकिन अब ये तालाब फूट गए हैं, जिससे सरपंच पर लाखों का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। वाटर शेड योजना के इंजीनियर गोस्वामी ने बताया कि यह दोनों तालाब करीब 40 लाख की लागत से बने थे। करीब 20 लाख की लागत का तालाब पानी का दबाव नहीं झेल पाया, तो निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसमें मेरी अभी सीईओ से भी चर्चा हुई थी जनपद पंचायत में, और बताया जा रहा है कि वहां रात को बारिश के उपरांत दो अमृत सरोवर टूट चुके हैं। हालांकि उसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। हमारी संबंधित सचिव डीआरएस और सरपंच साहब से भी बात हुई कि कोई भी हानि नहीं है, परंतु ये गुणवत्ता पर निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी, उसकी जाँच होगी। और हम आज ही सीईओ को मैंने निर्देशित किया है कि संबंधित इंजीनियर जिसने इसको मॉनिटर किया था उनको नोटिस जारी करें, और उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से की जाएगी। जांच कराएं, ये पता चला है सर कि ऐसी कोई अप्रिय घटना घटी है और बांध टूटा है, फसलें खराब हुई है किसानों की, तो हम उसकी जांच कराएंगे। उसमें जो दोषी है उसको कार्रवाई, तो इसमें जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम उसको जांच के लिए आदेश करवाएंगे आज जनपद पंचायत से, जो जिसमें दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और उसके जो हो सकता है वो उसका सुधार के लिए भी करवाएंगे। अभी सूचना मिली है कि सरेखो के दो अमृत सरोवर अत्यधिक पानी के बहाव से फूट गए हैं। निश्चित रूप से इसके लिए भी मैं टेक्निकल टीम और संबंधित ब्लॉक समन्वयक और संबंधित एजेंसी तीनों से चर्चा कर और तीनों को नोटिस जारी कर वस्तुस्थिति की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।